उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज व अमान में रखे और अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रहें। कुक विद रूमी में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं बना रही हूँ थ्रेड चिकन। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। उसके लिए मसाला तैयार करना है हमें। 2 पिंच ऑरेंज फूड कलर, 1/2 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, 1/2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून पिसी हुई हल्दी, 1/2 टीस्पून भर के पिसी हुई धनिया, 1/2 टीस्पून कुटी हुई मिर्च डाली है मैंने, 1/2 टीस्पून रोस्टेड ज़ीरा ले लिया है मैंने, 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हरी मिर्च ले ली है मैंने क्रश, 1 टेबल स्पून लहसुन पेस्ट, 1/2 टेबल स्पून अदरक पेस्ट, 1 अंडा। सारे मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी मैं अंडे के साथ। मैरिनेशन हमारी तैयार हो चुकी है। नमक मैंने 1 टीस्पून डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 500 ग्राम चिकन ली थी मैंने, इसे धोकर स्ट्रिप में काट लिया है मैंने इस तरह। अब मैं इसे मैरिनेट कर दूंगी। जो मसाला हमने तैयार किया था उसमें डाल दूंगी। हमारे चिकन को अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी मसाले में। चिकन को मैंने मैरिनेट कर लिया है, अब मैं इसे कवर करके 1 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। चिकन को मैरिनेट किए हुए 1 घंटा हो चुका है मुझे। 300 ग्राम मैंने समोसे की पट्टी ले ली है, अब मैं इसे कट कर लूँगी। पतला पतला हमें इसे काटना है। देखिए इस तरह पतली पतली स्ट्रिप काटनी है हमें। इसमें 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ। कॉर्नफ्लावर को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे हम इसमें। समोसे की पट्टी जो हमने काटी थी उस पर मैंने कॉर्नफ्लावर को अच्छे से कोट लगा दिया है। एक चिकन मैरिनेट है हमारी, 1 पीस लेंगे हम। इस तरह ऊपर से डालेंगे और हल्के हाथों से प्रेस करते हुए। एक्स्ट्रा जो है वो हम निकाल देंगे। इसी तरह सारे चिकन पर हम लगा लेंगे। सारे चिकन को मैंने समोसे की पट्टी से कोट कर लिया है, अब चलें इन्हें फ्राई कर लेते हैं। ऑयल हमने गरम कर लिया है, अब हम थ्रेड चिकन को फ्राई कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम मैंने मीडियम लो रखी हुई है। चिकन डालने के बाद हमें इसे फ़ौरन टर्न नहीं करना, बल्कि 2 मिनट के बाद टर्न करेंगे, वरना ये जो स्ट्रिप हमने लगाई है ये सारी निकल जाएगी। अब मैं इसे टर्न कर दे रही हूँ। इसमें अच्छा सा लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। चिकन हमारी फ्राई हो चुकी है, इसे मैं निकाल रही हूँ। अब चलें चिकन को सर्व करते हैं। रेड चिकन सर्व करने के लिए तैयार है।